रेत की जो बोरी है, रेत की बोरी का ढेर लगाया गया है और रेत के ढेर से चारों तरफ जो नदी के पानी को रोका गया है। बहुत ज्यादा परेशान है सर हम लोग। जनवरी महीने में चीरा छेका जाता है, इस बार पानी कमी होने के कारण हम लोग को इस माह में चीरा छेकना पड़ रहा है। आखिर निस्तारीकरण के लिए या अन्य चीजों के लिए ये पानी को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? सर हमारे कुमड़ी खुद सभी लोग नहाते हैं नदी में सर। हाँ। और देवभोग से भी लगभग 50-60 जने हमेशा आते हैं सर। हाँ। मैं रवि तिवारी, इस बार कुमड़ी खुद और कुमड़ी कला के गांव के लोगों को निस्तार के लिए अभी दिसंबर महीने से ही पानी को रोकना पड़ रहा है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखाएंगे कि किस तरह की एक तस्वीर है, जो रेत की जो बोरी है, रेत की बोरी का ढेर लगाया गया है और रेत के ढेर से चारों तरफ जो नदी के पानी को रोका गया है। ये पानी को रोकने का कारण ये है कि लोगों को निस्तार की समस्या से अभी से जूझना पड़ रहा है। हमने पहले भी खबर दिखाया था कि इस बार जो समय पर जून जुलाई के महीने में जो बारिश होनी थी, जून जुलाई के महीने में बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के चलते लोग जो किसानों का जो फसल है, फसल चौपट हो गया, जिसके चलते अभी भी कुछ मंडियों में किसानों ने धान बेचना शुरू नहीं किया है। इस खबर को लोकल टीवी ने सबसे पहले दिखाया था। इसके बाद आज हम कुमड़ी खुद गांव में पहुंचे हैं, चूंकि हम यहां से गुजर रहे थे। हमने जब गुजर रहे थे कुछ ग्रामीणों से हमने चर्चा की और ग्रामीणों से पूछा कि आखिर आप लोगों ने नदी के पानी को क्यों रोका है, तो ग्रामीणों ने कहा कि भैया निस्तारी के लिए कुमड़ी खुद और कुमड़ी कला के गांव को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो 3 से 4 हजार की जनसंख्या वाले आबादी के जो लोग हैं वो सिर्फ आके यहाँ पे निस्तारीकरण करते हैं। हमारे साथ अर्जुन यादव जी गाँव के कुमड़ी खुद गाँव के मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अर्जुन जी, क्या कारण है कि तिल नदी के पानी को आप लोग रेत की बोरियां हैं उसका ढेर लगाकर जो रेत है उसको चारों तरफ से आप लोग रोक कर उस पानी को रख रहे हैं, क्या कारण है? सर हम लोगों का ये विस्तार होता है और इसको चीरा बोलते हैं सर, अपने यहाँ लोकल भाषा में इसको चीरा बोलते हैं। और हम लोग चीरा इसलिए छेके हैं सर कि हमारे गाँव के लोगों का विस्तार हो, नहाने के लिए हो और यहाँ घड़ा घड़ा भर के जो माताओं भी पानी पीने के लिए ले जाते हैं। अर्जुन जी, ये बताइए, इस बार तो पानी गिरा नहीं है, खेतों की फसल भी चौपट हो गई जी, जी। तो क्या उसका असर निस्तारीकरण के लिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्या? पानी के लिए आप लोग परेशान है क्या? बहुत ज्यादा परेशान है सर हम लोग। जनवरी महीने में चीरा छेका जाता है, इस बार पानी कमी होने के कारण हम लोग को इस माह में चीरा छेकना पड़ रहा है। और रही सवाल कुमड़ी खुर्द और कुमड़ी काला, दोनों के बीच में तेल नदी है सर और हर साल हम लोग ऐसी रोकते हैं पानी को और इसका विस्तार करते हैं। अच्छा ये बताइए अर्जुन जी, पानी जो आप लोग रोक के जो पानी का निस्तारीकरण करते हैं, ये कितना महीना तक ये पानी चल जाता है? सर ये कम से कम मार्च तक के रह जाता है सर, उसके बाद खोद खाद के अपन यहाँ विस्तार करते हैं। यहाँ रेती निकालना पड़ता है, गड्ढा खोदना पड़ता है, उसके बाद जो है ना पंचायत से भी खाल बना के यहाँ विस्तार करते हैं। अर्जुन जी ये बताइए, जो आप लोग जैसे रोके हैं, ये जो रेत का जो ढेर बनाकर आप लोगों ने रोका है, जो रेत की जो बोरियों को भरकर आपने पानी को रोकने का काम किया है, कितना दिन लग जाता है अर्जुन जी? थोड़ा कैमरे पर देख के बात कीजिए। सर ये लगभग 6-7 दिन लग जाता है सर। यहाँ के जो ग्रामीण लोगों है, किसान लोगों है, कम से कम इनका गुट बना हुआ है 17-18 जने का और इन लोग निजी पैसा से इन लोग पानी को रोकते हैं और बहुत अच्छा साधन करते हैं सर अपने गांव के लिए। तो ये करीब करीब 19-20 लोग हैं जो पानी को रोकने का काम कर रहे हैं। 19-20 लोग हैं सर पानी को रोक रहे हैं और बहुत अच्छा विस्तार बना रहे हैं, गांव का यूज हो रहा है और सभी माताएं भाई यहाँ स्नान करते हैं, बाहर के लोगों भी आने से यहाँ स्नान करते हैं और बहुत अच्छा सम्मान। मतलब आप लोग को निस्तारीकरण के लिए कोई परेशानी नहीं होता? कोई परेशानी नहीं होता सर, इस बार पानी कमी होने के कारण परेशानी हुआ इसलिए जल्दी इसको रोका गया है सर पानी को। गौसिंग जी मौजूद है, गौसिंग जी थोड़ा सा इधर नीचे उतर जाइए, अर्जुन जी फट जाइए। गौसिंग जी ये बताइए, गौसिंग जी आखिर निस्तारीकरण के लिए या अन्य चीजों के लिए ये पानी को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी, कारण क्या है? इस साल बारिश कम होने के कारण से नदी सूख रहा था, सूखने की वजह से ग्रामीण लोग जल्दी इसको दिसंबर में ही रोकना शुरू कर दिए। ये पानी जो है ना मार्च अप्रैल तक के ही जाएगा, उसके बाद सूख जाता है। सूखने के बाद जो है ना ग्राम पंचायत द्वारा भी क्या वो झरिया कुंड बनाया जाता है।
आप पिछले साल की यदि अपन बात करें, बाकी सालों की बात करें, तो आप लोग कितने सालों से इस तरह के पानी को रोककर आप लोग निस्तारीकरण के लिए आप लोग व्यवस्था करते हैं? कितना साल हो गया? ये सर हर साल करते हैं। लगभग कितना साल से चला है? लगभग भी 15-16 साल हो रहा है। 15-16 इस साल क्यों आप लोग जल्दी किए? बाकी साल तो आप लोग जनवरी में करते हैं। पानी सूख रहा था सर इस साल। पानी सूख रहा था उसी कारण से जल्दी पानी को रोका गया। हाँ जी, अगर अभी नहीं रोकते ना सर, इतना पानी भी नहीं रहता। हाँ पानी का कितना दिन का मेहनत लग जाता है पानी को इस तरह रोकने के लिए? एक सप्ताह लग जाता है सर, जेसीबी द्वारा करते हैं। हाँ सर, कैसे करना पड़ता है बताइए थोड़ा सा। जेसीबी बुलाते हैं सर, तो इधर देख रहे हो ये बांधा जाता है और थोड़ा सा पानी भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि नीचे वाले को भी उनको पानी मिल सके। ये सीमेंट की बोरी में रेती भरते हैं, लकड़ी में बांधते हैं, तो जो ओवरफ्लो पानी जो है ना सर इधर निकल जाता है, और पानी कम हो जाने से इसको टोटल ही बंद कर दिया जाता है। गौसिंग जी, जैसे ये पानी जा रहा है तो लकड़ी को कैसे बांधा जाता है थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये हमारे गाँव के बुजुर्ग लोग है ना सर, उन लोग को टेक्निकल है बांधने का, इसका तो ज्यादा हमारे गाँव के बुजुर्ग लोग। मतलब किस टाइप का बांधा है थोड़ा बहुत बताइए ना। इसको सर जाली टाइप के बांधते हैं लकड़ी को सर। जी, जाली टाइप बांध के जो है ना इसमें पैरा दिया जाता है, पैरा से भी रुक जाता है। कितना दिन टिकता है गौरव सिंह जी? ये सर अप्रैल तक जाएगा सर। अप्रैल तक जाएगा जी सर। तो जिस तरह से गौसिंग जी बता रहे थे कि पानी की परेशानी के चलते इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक और भाई मौजूद है जो यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं। भाई थोड़ा सा नीचे उतर जाओ भाई। भाई क्या नाम लिखते हो भाई आप? राजेश यादव। राजेश भाई नहाने आए हो? भाई ये बताओ, आप लोग जैसे पानी को रोक के आप लोग जो करते हो, जैसे रेत जो सीमेंट की बोरियों में आप लोग रेत भरे हो, उसका रेत का ढेर बना के पानी को आप लोग यहाँ पर रोके हो, तो आप लोगों को निस्तार के मतलब आप लोगों को कितना ज्यादा सुविधा मिल जाता है? ये तो बहुत बढ़िया, क्योंकि नहाने के लिए एक नंबर सुविधा होता है। हाँ, ये कितना महीना चलता है राजेश भाई जैसे पानी को रोकते हो? तो लगभग 4 महीना तक। 4 महीना तक हर साल करना पड़ता है? हाँ हर साल करते हैं। मतलब आपके गांव के आधा से ज्यादा लोग यही नहाने आते हैं? आधा से ज्यादा नहीं, पूरा नहाते हैं, पूरे लोग नहाने आते हैं कुमड़ी खुद के। हाँ, तो जैसा कि आप एक युवा है राजेश यादव को सुन रहे थे, नहाने के लिए नदी पहुंचे हैं, इनसे हमने बातचीत की, अर्जुन यादव जी से बातचीत की, गौसिंग यादव जी से बातचीत की। इनका कहना है कि निस्तार संबंधी चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सामना हमें पिछले 15-16 साल से करना पड़ रहा है। कुमड़ी खुदा कुमड़ी कला गांव के लोग इसी के भरोसे रहते हैं, यहीं पे उनका निस्तारीकरण होता है। थोड़ा सा गौसिंग जी से एक सवाल और लेना चाहूंगा। गौसिंग जी, कुमड़ी खुदा कुमड़ी कला दोनों गांव के लोग आते हैं? दोनों गांव के आते हैं सर, और देवभोग वाले भी आते हैं। देवभोग वाले भी आते हैं। तो ये बताइए गौसिंग जी, जैसे करीब करीब कितने लोग निस्तारीकरण करते होंगे लगभग? सर हमारे कुमड़ी खुद सभी लोग नहाते हैं नदी में सर, और देवभोग से भी लगभग 50-60 जने हमेशा आते हैं सर। जी, और कुमड़ी कला वाले भी सभी लोग नहाते हैं सर। मतलब इसी के भरोसे 2-3 हजार लोग निस्तारीकरण करते हैं? जी सर, जी सर। तो जैसा कि आप गौसिंग जी से सुन रहे थे, इनका कहना है कि कुमड़ी खुद के साथ साथ कुमड़ी कला के लोग भी निस्तारीकरण करते हैं, इस तरह की बातें बताई जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि इस साल जितनी बारिश होनी चाहिए थी, इस साल उतनी बारिश नहीं हो पाई, फसल चौपट हो गई। फसल चौपट होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि पानी के लिए अभी से हाहाकार मचने लगा है। जो तस्वीर हमने, जो मेरे कैमरा पर्सन विक्की ने जो तस्वीर दिखाई, उस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग अभी से पानी के लिए कितने परेशान हैं। कुमड़ी के लोग कहते हैं, कुमड़ी खुद के जो अर्जुन यादव, गौसिंग यादव जी दोनों कहते हैं कि निस्तारीकरण के लिए पानी को हम हर साल तो रोकते हैं, 16 सालों से इस तरह पानी को रोककर निस्तारीकरण किया जा रहा है, लेकिन अन्य वर्षों की तुलना में इस बार हमें जल्दी एक महीने पहले ही निस्तारीकरण करना पड़ रहा है। इनका यह भी कहना है कि यदि पानी को अभी रोका नहीं जाता तो पानी चला जाता, पानी सूखने की स्थिति में आ जाता। ऐसे में निस्तारीकरण किया गया, लगभग आधा किलोमीटर दूर तक पूरे पानी को रेत की बोरियों को डाला गया है और रेत का ढेर बनाकर पानी को रोका गया है। और यहाँ पर कैमरा पर्सन विक्की जैसा कि दिखा रहे हैं, ये जो गौसिंग बता रहे थे कि जो लकड़ी का जाली बनाया जाता है, उसे पैरा डाला जाता है ताकि पानी जो ओवरफ्लो पानी यहाँ से निकल सके और नीचे भी जाया जा सके, क्योंकि उधर भी करीब करीब 15-20 गांव पड़ते हैं। ऐसे में 20 गांव के लोग इसी पानी के भरोसे वो भी निस्तार करते हैं, निस्तारीकरण के लिए उन्हें नदी के भरोसे रहना पड़ता है। ऐसे में ये जो पानी जाता है तो ये पानी उनके लिए कहीं ना कहीं, मान के चलिए, उनके लिए बहुत ज्यादा सुविधा वाली बात हो जाती है। लोग नदी का पानी का उपयोग करते हैं नहाने धोने के साथ साथ अन्य चीजों के लिए, लोगों को नदी के पानी पे आश्रित रहना पड़ता है। मैं आपके एक चीज और बता दूं कि यहाँ कुछ ऐसे गांव भी हैं जहाँ आज भी लोग नदी में बकायदा झिरिया बनाकर यहाँ का पानी लोग ले जाते हैं और उसे पीने के लिए उपयोग करते हैं। यही कहा जा सकता है कि लोग अभी से
पानी के लिए हाहाकार लोगों के बीच मचने लगी है, लोग परेशान हैं। ऐसे में फिर जब फरवरी या मार्च का महीना आएगा तो इस बार लोगों को पीने के पानी के साथ साथ निस्तार के पानी के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, कुबड़ी खुद।